हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है। इस मूवी का नेम है लुप्त। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। वाओ, नाइस। अगर नींद नहीं आना एक बीमारी है तो मैं कई सालों से बीमार हूँ। भाई साहब, ये रास्ता कहाँ जाता है? रास्ते कहीं नहीं जाते। आपको कहाँ जाना? क्या बात है, क्या डायलॉग था भाई। इंटरेस्टिंग। कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या बात है भाई, इस पाए बाया कू स्टोरी कैसी है आपकी? जी जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये हिंदी लैंग्वेज मूवी है और ये हॉरर मूवी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रभु राज ने, और इस मूवी को लिखा भी उन्होंने और साथ में स्क्रीन प्ले भी उन्होंने दिया, यानी कि काफ़ी सारे काम खुद कर लिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। और इस मूवी की जो कास्ट है तो उसमें काफ़ी तवील किस्म की कास्ट है। इसमें टैलेंटेड लोग हैं काफ़ी, जैसे कि जावेद जाफरी हैं, विजय राज हैं, करण आनंद हैं, कस्तूरी बनर्जी हैं और रावीज बदरवाज हैं। और जो कि अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि इंटरेस्टिंग भी था, अट्रैक्टिव भी था। और हॉरर मूवी है तो ज़ाहिर मज़ेदार किस्म की तो होगी। ज़ाहिर बॉलीवुड में हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा कम बनती है, एक तरह से आप कह लें ना बनने के बराबर होती हैं। जैसे कि साल, दो साल, तीन साल बाद आती हैं हॉरर मूवी। जैसे कि अभी तो आजकल कुछ सालों से आ रही है हॉरर मूवी, लेकिन जो है बहुत कम लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं हॉरर टाइप का, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट किस्म का टास्क होता है एक हॉरर मूवी बनाना, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव दिखाना होता है, जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहे और लोग भरपूर इसको इन्जॉय कर सकें। होता ये कि जैसे हम हॉलीवुड की बात कर लें या बॉलीवुड की, तो ज़्यादातर जो मूवीज़ होती हैं हॉरर टाइप, उनमें सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे कि नलकों से खून आना, शीशे में अपनी शक्ल देखना, हम हट गए और हमारी शक्ल का कोई बंदा वहाँ खड़ा रह गया, या फिर आप कह लें पलंग के नीचे से किसी ने आपको पकड़ लिया, या आपको कोई दीवार में जाता हुआ दिख गया, या कोई भागता हुआ दिख गया, लाइट जल बूझ हो गई, नलकों से खून आने लगा। ये सारी जो मतलब 50-60 चीज़ें, ये लोग देख के थक चुके हैं, और हॉलीवुड के अंदर तो बेतहाशा ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं। तो फिर भी वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तो उनकी हॉरर मूवी चल जाती है। लेकिन अब बॉलीवुड की हम बात कर लें तो उसमें भी यही होता है कि सेम चीज़ें यही रिपीट करते हैं। टीवी अपने आप चल गया, तस्वीर के अंदर से कोई बंदा निकल आया, मतलब क्या है ये सब चीज़ें, लोग भी देख के थक जाते हैं। लेकिन आप कह लें कि जो जिस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा है तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ न्यू होगा, हम उम्मीद करते हैं, और हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं यही है कि ये मूवी चले और लोग इसको पसंद करें और इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो, जो कि लोग देखें और इसे भरपूर इंजॉय कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर जो, जैसे कि मैंने आपसे हॉलीवुड की बात की और बॉलीवुड में भी सेम वही चीज़ें रिपीट होती हैं, जो कि लोग भी थक जाते हैं। कुछ न्यू होना चाहिए, इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें
सब बच्चे बच्चे को पता है आजकल के जिन भूत होंगे या चुड़ैल दान, तो वो ये सब यही चीजें करेगी और कोई ना कोई कुछ होगा उसके साथ। तभी एक तरह से आप कह लें कि बॉलीवुड में हॉरर मूवी भी बनती बहुत कम है, क्योंकि सारे जब बनती हैं तो यही चीजें रिपीट होती हैं, फिर उनके चलने के चांसेस नहीं होते तो फिर वो नहीं चल पाती। तो जो कि आप कह लें कि ये मूवी जो है इसमें कुछ हम उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा हो और देखने लायक हो और इसमें कुछ ना कुछ हो, क्योंकि ट्रेलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ इस हद तक वाजे तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी काफ़ी अट्रैक्शन वाला पुरकशिश ट्रेलर था। जो ट्रेलर का साउंड था और जिस हिसाब से ट्रेलर को दिखाया गया तो मूवी की नुमाया खसूसियात के पहलुओं को उजागर तो कर रहा था, और उम्मीद हम अच्छी ही करेंगे और पॉजिटिव ही बोलेंगे कि उम्मीद यही है कि ये चले और लोग इसको देखें, क्योंकि इसकी जो मूवी की कास्ट है वो मल्टी टैलेंटेड कास्ट है, वर्सिटाइल एक्टर एक्ट्रेस है, और उनका क्या ही कहना है। जब बेहतरीन किस्म की मूवी की कास्ट होती है तो मूवी के चलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों की अट्रैक्शन और इंटरेस्ट उनमें बढ़ता है और उनके जो फैंस होते हैं फॉलोअर्स होते हैं तो वो मूवी को ज़रूर देखने जाते हैं, तो मूवी के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कास्ट बहुत बेहतरीन किस्म की गई है, मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल लोग हैं, तो जो कि आप कह लें जब कास्ट अच्छी है तो उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं उन्होंने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाई होगी और परफॉर्मेंस से भरपूर काम किया होगा, जो कि ट्रेलर के अंदर भी अच्छा लग रहा था। और ट्रेलर के अंदर एक डायलॉग जो था रास्ते वाला वो बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव था। उम्मीद यही करेंगे कि इसमें और कुछ भी होगा देखने लायक, जो कि जब आप देखेंगे तो आपकी तवज्जो को हासिल कर सकेगा भरपूर तरीके से, क्योंकि हॉरर मूवी से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि इसमें कुछ नया हो कुछ अलग हो, क्योंकि जाहिर है जैसा कि मैंने आपसे कहा ही बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि लोग भी थक जाते हैं वही सेम चीज़ें देख के, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ अलग लग रहा है जो कि इंटरेस्टिंग था और जो कि आप कह लें कि मज़ेदार किस्म का लग रहा था। और मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से मूवी के ट्रेलर को देख रहा था क्योंकि उसमें काफ़ी अट्रैक्शन थी, पुरकशिश था, एक तरह से आलीशान था, और जो कि आप कह लें कि इंटरेस्ट बढ़ा रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा, और एक तरह से आप कह लें अच्छा था, मज़ा आया इसको देख के, इंटरेस्टिंग था। और जो कि आप कह लें सबका जो स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी मूवी का वो भी बेहतरीन लग रहा था, और मूवी की जो कास्ट है उनका तालमेल केमिस्ट्री एक तरह से आप कह लें अच्छी लग रही थी, और जो कि आप कह लें कि एंजॉय किया मैंने इस ट्रेलर को, अच्छा था बेहतर था। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।